हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है कि खुद को कैसे मोटिवेट करें, हाउ टू बी मोटिवेट योरसेल्फ। एंड दिस इज माय फर्स्ट मोटिवेशनल वीडियो, आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय चैनल, दैट इज स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम भले ही बड़े मोटिवेशन के साथ, एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में कोई काम शुरू करते हैं, पर लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, रीजंस, मजबूरियां हमें फेस करनी पड़ जाती हैं जिसकी वजह से हम अपना मोटिवेशन लूज कर देते हैं और वापस ट्रैक पर आना मुश्किल हो जाता है, वापस पॉजिटिव होना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे ही स्टेटस से, ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कुछ टिप्स बताऊंगी, इसलिए आज मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को शेयर करने का मेरा मोटो है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ, इनकरेज कर सकूँ और पॉजिटिव कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि जो लोग डिमोटिवेटिव होते हैं वो हमारे आस पास ही होते हैं, जैसे कि हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंड्स में, हमारे आस पास पड़ोसी, ये सब होते हैं जो हमें डिमोटिवेट फील कराते रहते हैं। और कभी कभी तो हमें इतना लो फील करा देते हैं कि हमें पॉजिटिव बदलाव के बारे में 100 बार सोचना पड़ जाता है। ऐसे थॉट्स आने लगते हैं मन में, अरे यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे होगा ही नहीं, ये मेरे लिए है ही नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊँगा। पर ये गलत है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बदलाव पसंद नहीं है, वो बदलाव चाहते ही नहीं हैं, वो जैसे थे वैसे ही रहना चाहते हैं, या जो लोग हैं बदलना चाहते हैं तो उन्हें बदलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वो इतनी जल्दी अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। बहुत से लोग हमें डिमोटिवेट फील कराते रहते हैं, अगर कोई काम बिगड़ जाएगा तो सबसे पहले ताना पड़ता है, अरे हमें तो पहले ही पता था ये नहीं होगा, तुमसे होगा ही नहीं, तुम्हें कर नहीं पाओगे, मुझे तो पहले से पता था। एक्चुअली उसे कुछ नहीं पता होता, वो सिर्फ फेंक रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो पहले से सब जानता हो। अब कोई ऑगर तो है नहीं जिसे उसे सब पता होगा। ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए टिप्स बताती हूँ। सबसे पहला है वन गोल, एक लक्ष्य है। यस, आई एम टेलिंग यू, अपनी लाइफ में एक गोल सेट करिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी खुशी किस में है। सबसे पहले अपनी लाइफ में एक गोल बनाइए, उस गोल को बनाने के बाद आप उस गोल के लिए अपनी सारी की सारी मेहनत लगा दीजिए। लाइफ में गोल होगा तो ही लाइफ में मजा आएगा। दूसरा है फाइंड इंस्पिरेशन, प्रेरणा खोजिए। एंड थर्ड, थिंक अबाउट इट डेली। जब आपने अपना गोल सेट कर लिया है तो अब आपको इसके बारे में डेली सोचना है कि मैंने एक गोल सेट किया है, एक टारगेट बनाइए कि मुझे वो गोल तब तक कंप्लीट करना है, और उसके बारे में डेली सोचिए। थर्ड है गेट एक्साइटेड, जी हाँ, उत्साहित होइए। अपने गोल को लेके आपको एक्साइटेड होना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी लाइफ में जो गोल है उसे और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देता है, हमारी एक्साइटमेंट हमें और भी ज़्यादा पावर देती है। और नेक्स्ट है फोकस एंड डेडिकेशन, जब आपने गोल सेट कर लिया है और आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि ये मुझे करना है, तो सबसे पहले आपको उसके लिए फोकस और डेडिकेशन की ज़रूरत है। तो फोकस और डेडिकेशन अपना बनाए रखें। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गेट सपोर्ट, यस, सपोर्ट नेटवर्क खो जाइए, मतलब जो सपोर्ट आपको देने वाले हैं, जहाँ से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, ऐसा एक नेटवर्क क्रिएट कीजिए। अपने आसपास नेगेटिव पीपल को बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। सपोर्ट पीपल जो आपको आपके काम के लिए सपोर्ट करें, एनकरेज करें, ऐसे लोगों के टच में आपको रहना चाहिए। नेक्स्ट है स्टार्ट स्मॉल डेली स्मॉल, जी हाँ, छोटे छोटे कदम से आप बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था, इसलिए इस पर भी आप ध्यान रखें, स्टार्ट स्मॉल एंड डेली स्मॉल। और सबसे बड़ी बात नेक्स्ट टॉपिक में, थिंक अबाउट द बेनिफिट्स नॉट डिफ़िकल्टीज। जी हाँ, हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं अरे इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप हमेशा उसके बेनिफिट्स के बारे में सोचें, ना कि डिफ़िकल्टीज़ के बारे में।